वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबा केसरी। सिलेंडर हाँ, अभी लेते हैं 1,200 रुपया, हाँ। फ्री में लेने से क्या फायदा हुआ? इतने नल जल किए मोदी जी, चलिए ना पानी पिला देंगे। हाँ। एक साल सिलुआ वाला पानी निकलता है, वो भी चलता नहीं साल भर। राम मंदिर से हमको जरूरी नहीं है, हाँ। चाहे कोनो मंदिर से जरूरी नहीं है। मोदी जी बहुत किए, मंदिर बना दिए। सुने, कांग्रेस कहाँ बना दिए, मंदिर कहाँ बना दिए, जात को रख दिए, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 की यात्रा अभी उजियारपुर पहुंची है और उजियारपुर से दो प्रत्याशी खड़े हैं मुख्य तौर पर। अगर एक का नाम लें तो नित्यानंद राय हैं, जो कि केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, और दूसरे आलोक मेहता हैं, जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं। दोनों कद्दावर नेता हैं, दोनों के बीच में जोरदार जंग कही जा रही है और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं सड़क किनारे। हम उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि उजियारपुर में मुद्दा क्या है, आधार क्या है, कौन सा, जैसे आप पिछले बार वोट दिए, जो सोच करके वोट दिए, जो सोच कर दिए होता नहीं ना, हाँ? होता नहीं ना। अब मोदी जी का फ्री में दे दिए सिलेंडर, हाँ। अभी लेते हैं 1,200 रुपया, हाँ। फ्री में लेने से क्या फायदा हुआ? अच्छा। लोहा का लो का चाटेगा आदमी। तो शौचालय मिला कि नहीं मिला? शौचालय मिला, हाँ। शौचालय मिला, मिला है, बहुत को मिला है, बहुत को नहीं मिला। अच्छा, आपको मिला? हमको तो मिला। अच्छा, नल जल वाला जो नीतीश जी खूब कहते हैं, नल जल किए मोदी जी कहते हैं, चलिए ना पानी पिला देंगे। एक साल सिलुआ वाला पानी निकलता है, वो भी चलता नहीं साल भर, कोई देखने वाला नहीं। एक साल से बंद है पानी नल जल का। आप लोग, आप नल जल बंद है एक साल? बिल्कुल, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है टेको दास। टेको दास, दास, दास। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम राजमिस्त्री काम करते हैं। तो आपको शौचालय योजना मिला? शौचालय मिला। अच्छा, शौचालय मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला? हाँ, वो भी एक तो मिला। अच्छा, वो भी एक तो मिला। हाँ। तो आपको क्या मतलब, सरकार से आपको ये लगता है कि और कुछ मिलना चाहिए? नहीं, और हम क्या चाहिए, वही मान लीजिए नल जल पानी वाला है, वो बंद है। अच्छा, वो ठीक से काम नहीं हो, नहीं होता नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, परिवर्तन हो जाए, मोदी जी के जगह कोई और आ जाए? मोदी जी करा देंगे तो उन्हीं को परिवर्तन काहे ना होगा? हमको कोई चीज का नहीं है, हमको मोदी जी हुए या लालू जी हुए, हमको विकास कर दें, सुनिए, समझे? ठीक है, हम वोट देने के तैयार हैं। 5 साल में विकास किए कि नहीं किए? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। इतना जानवर पानी लगा हुआ है, कोई नहीं आते देखने के लिए। ये वो सिर्फ आते हैं तो कौन, तो आलोक कुमार मेहता आते हैं। अच्छा, आलोक कुमार मेहता जी, हाँ, हाँ, ये हम कहेंगे। आप क्या कह रहे हैं? बात बाकी नहीं, हम कह रहे हैं कि हम जो बोलेंगे जो यह वो बगल में मोहल्ला है, घूम के देखिए। मैंने कह के जाते हैं कुछ, आज तक के पानी निकलने का कोई व्यवस्था नहीं। आलोक मेहता भी तो मंत्री है ना? हाँ, मंत्री नहीं, वो भी नहीं कर पाए हैं, वो भी नहीं कर पाए हैं, रोड़े भर कर रहे हैं। देखिए, हम मोहल्ला का मतलब है, इसका नाम है मतदान। हाँ, ये बात को समझ लीजिए। हाँ, तो हम किसको देंगे, वहाँ पर जाने के बाद पलट जा। हाँ, वो नहीं पूछ रहे हैं, हम बस काम पूछ रहे हैं। बढ़िया किस काम, काम बढ़िया है काम? देखिए, कांग्रेस और पार्टी काम नहीं कर रहे हैं भैया। अब आप खुद जाके देखिए, मोहल्ला में जाके घुस के देखिए। चलिए थोड़ा आपको हम घुमा देते हैं। कोई नेताजी भी अभी तक काम नहीं किए हैं, कुछ नहीं, समझे? आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या? मेरा नाम बालक दास, बोलिए ना। बालक दास, बालक दास। तो आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहाँ से 10 किलोमीटर उजियारपुर पड़ता है, उजियारपुर लोकसभा। आप कौन सा काम करते हैं? काम हम यही पंडित करते हैं, हाँ, घूमते हैं पंडित। अच्छा, जी जी,
तो यहाँ क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर, क्योंकि दोनों बड़े नेता हैं? यह बीजेपी सरकार बनते और कुछ मुद्दा नहीं। अच्छा जी, बीजेपी का सरकार है, बीजेपी बनेगा। बीजेपी बनेगा क्यों? बीजेपी क्यों बनेगा? मोदी जी अच्छा काम करते हैं, मंदिर बनाए, 370 हटाए, वो काम किए, अच्छा तो बनेंगे। तो और ये जो तमाम शौचालय योजना है, ये ठीक है, सबको दिया, सबको मिला, जी जी सबको मिला। ये बाबा लोग नाराज क्यों? बाबा ना, अब इनको नहीं मिला होगा, हम लोग को तो मिला है। अच्छा, तो हम लोग को मिला है तो हम लोग कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है अक्लू दास। हाँ, अक्लू दास। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या करते हैं? गोलगप्पा बेचते हैं। अच्छा, गोलगप्पा बेचते हैं। तो आपको सरकारी योजना का कुछ लाभ हुआ? कुछ नहीं, कुछ मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आप क्या परिवर्तन चाहते हैं, नया प्रधानमंत्री चाहते हैं? नया प्रधानमंत्री क्या बनेंगे, वही रहेंगे, मोदी सरकार वही रहे। अच्छा, आपको लगता है कि वही रहे, मिले भले ही कुछ नहीं, लेकिन वही? हाँ, रहे। हाँ, हाँ, क्या हाँ, वजह है, आप उनको क्यों चाहते हैं वही रहे? वही फ्री अनाज मिल रहा है, खा रहे हैं। अच्छा, फ्री अनाज से आपको खाना मिल रहा है, इसलिए आप चाहते हैं कि वही रहे? हाँ, अच्छा। आप भैया कुछ बोल रहे थे, बड़ा बढ़िया गर्मा गर्म पकौड़ी खा रहे हैं। खाने का मतलब ये, आप अपना? मेरा नाम हुआ पंकज कुमार शाह। अच्छा, पंकज कुमार शाह जी। तो शाह क्या अति पिछड़ा में आते हैं या पिछड़ा में आते हैं? सावजी हुए हम लोग। अच्छा, आप सावजी हुए तो पिछड़ा में आते हैं जी। तो आप तो सावजी लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम तो चौमिन का ठेला लगाते हैं। अच्छा, चौमिन का ठेला लगाते जी। तो आपका क्या है, नित्यानंद राय वर्सेज आलोक मेहता में आपको कौन पसंद है? हम लोग के मोहल्ला में तो खाली मोदी मोदी सब बोल रहा है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं है तो कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है, वजह क्या है? वजह है बहुत सारा सुविधा है। अच्छा। और उनका जो है से इतना दिन रह गए हैं, जो भी किए हैं बहुत अच्छा काम किए और करते आ भी रहे हैं। अच्छा। यही देश है। तो ये चाचा लोग बगल में कह रहे हैं नल जल नहीं बना है। जितना ये बात तो सही है कि कहीं कहीं जो है काम हुआ है, कहीं कहीं छूट गया है, तो कहीं कहीं जो छूट गया है, जो परेशानी है उसमें तो लोग को दिक्कत हो ही जाता है। और रही बात पानी की, पानी जब जब आता है तो हम लोग का घर जो है से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तब उसके बाद जो है हम लोग को मुआवजा मिलता है, लेकिन टाइम से मिलता है, लेकिन मिलता है जी। तो नित्यानंद राय जी आते हैं मिलने? बिल्कुल आते हैं। अच्छा, उनका तो आलोक मेहता जी नहीं आते? वो भी आते हैं, वो भी आते हैं, वो भी आते। लेकिन आप प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं, इसलिए नित्यानंद जी को? अरे पूरा जो है सो हम लोग के मोहल्ला, मतलब एक वार्ड पड़ता है हम लोग को, पूरे एक वार्ड में जो है यही मोदी का ही चर्चा है, पूरे एक वार्ड में मोदी का ही चर्चा है सिर्फ। अच्छा, मोदी का ही चर्चा है। चाचा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलना है जो बोल पूछ रहे हैं तो बोल। नहीं, ये आपके वार्ड में नल जल का काम नहीं हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, चल चल के देखिए ना, शौचालय योजना हुआ? कुछ नहीं, चल के अब तो कह रहे हैं। राम मंदिर बनाने से खुश हैं? राम देखिए, राम मंदिर देखिए, हम कहने का मतलब राम मंदिर से हमको जरूरी नहीं है। हाँ। चाहे कोनो मंदिर से जरूरी नहीं है, हमको जरूरी है आपसे। आपका आप कहें हम काम किया, आप फिर उधर पलट के घूरे तो फिर हमको तरफ नहीं घूम रहे। इस बात को समझ गए कि जो जीत के गए वो पलट के आपके तरफ देखने नहीं, देखने नहीं। तो आप अपनी बात कह दिए। हाँ। आप क्या करते हैं? हम बिजनेस करके हैं, मजदूरी करके हैं। अच्छा, बिजनेस क्या चीज का करते हैं? आइसक्रीम ठेला चला रहे हैं। ठेला चला रहे हैं, क्या नाम है आपका? सुमन कुमार। हाँ, सुमन कुमार। सुमन कुमार, तो ठेला पर क्या चीज बेचते हैं आप? आइसक्रीम बेचते हैं। आइसक्रीम बेचते हैं, तो आपका नाम क्या हुआ जरा फिर से बताइए? सुमन कुमार पोटार। अच्छा, तो आपको मालूम है चुनाव हो रहा है यहाँ पर? चुनाव हो रहा है, इसमें कारण है क्या? पानी का सुविधा नहीं है। किसका? पानी का सुविधा नहीं है। हाँ। और नहीं, और अखी का है, शौचालय का सुविधा नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो आपको प्रधानमंत्री शौचालय योजना से लाभ कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ अच्छा। कुछ नहीं मिला। राशन मिलता है? राशन मिल रहा है, राशन मिल। हाँ। तो आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, कि परिवर्तन चाहते हैं? जो अच्छा काम उनको बुझा रहा है तो उसको हम। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा रहा, जो हमको अच्छा लग रहा है तो वो इसी को हम वोट गिर रहे हैं। हाँ।
लेकिन यही दू गो कारण है कि पानी का सुविधा अगर लैट्रिन का सुविधा कुछ नहीं है इसमें, नहीं है कुछ नहीं है। इस बार आप परिवर्तन करिएगा। जी जी, इस बार आप परिवर्तन करिएगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब हम क्या कहें, हम तो बोल दिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहेंगे सर, पानी कीन के लाते आपको एक गिलास पिलाते। पानी नहीं मिल, नल जल से कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। किसी योजना से फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है। तो आप परिवर्तन चाहते? बदल लीजिए। बदल दीजिए। इस बार आलोक मेहता जी को चुनिएगा। कहा चुनेंगे? तो जो चलिए सुविधा होगा वही ना कहेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ सुविधा मिलेगा। अभी हम रोड पर रहते हैं, इसका भी किराया लेते हैं, इसका भी किराया लेते हैं। इसको किराया देते हैं? देते हैं, पीछे वाले को देते हैं, मकान जिसका जमीन है उसका देते हैं। लेकिन पानी हम कीन के देखते हैं, पिलाते हैं, हम पब्लिक को पिलाते हैं। आप जो भोजन कीजिएगा और कीजिएगा तैयो, नहीं कीजिएगा तैयो, बाई गिलास पानी लाओ तो भरा हुआ पीजिए बाबू। हम तो भर दिन में 200 रुपये का पानी कीनते हैं, पिलाते। देखिए, इन लोग की व्यथा यही है। बड़े बड़े दावे जरूर होते हैं कि नल जल योजना घर घर तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं उन तक पानी नहीं पहुंचा है। और पानी नहीं पहुंचने की वजह से सवाल ये उठता है कि जिस तरह के दावे मुख्यमंत्री करते हो या निश्चित तौर पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता हो, लेकिन अब यहाँ पर आप पहुँचे तो कई लोग नल जल योजना को लेकर के बहुत तरह का सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो कि कहते हैं कि उन्हें मोदी पसंद हैं, मोदी रिपीट हो जाएं, बेहतर काम कर रहे हैं और इसलिए हर जगह मोदी मोदी की चर्चा हो रही है। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मिथिलेश प्रसाद सिंह। मिथिलेश जी, आप उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र जी, तो यहाँ पर क्या मुद्दा है अभी चुनाव? मुद्दा बस और बस आलोक मेहता RJD। अच्छा। लालू यादव, तेज तेजस्वी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाकी तो, कुछ नहीं। तो परिवर्तन चाहते एकदम चाहते हैं। देश बिक गया, आधा से ज्यादा देश बिक गया, जो बाकी है वो भी बिक जाएगा अगर इस बार सत्ता अगर BJP की आई तो। हाँ। जैसे हमारे पूर्वज गुलामी किए वैसे हमको भी गुलामी करना पड़ेगा, हमारे बच्चे को भी गुलामी करना पड़ेगा। तो इसलिए आप परिवर्तन एकदम परिवर्तन चाहते हैं। बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद आजादुद्दीन। मोहम्मद जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बनगारा के रहने वाले हैं। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में? हाँ। अच्छा, आपके इलाके में क्या मुद्दा है, आप क्या करते हैं पहले ये बता दीजिए। हम पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, तो आपने वोट किया अभी तक? नहीं अभी। हाँ किया हूँ, वोट किया। वोट किए? कितनी बार वोट किए? 3 बार। इस बार भी वोट करिएगा। आपकी नज़र में क्या मुद्दा है? मेरे मुद्दा यही है कि BJP सरकार नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। इसकी वजह क्या है? सब चीज़ वजह मतलब BJP वजह। अच्छा। वो आने ही नहीं चाहिए। हाँ। इसलिए क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। हाँ। ओल झोल जलूल बातें करते हैं, मुद्दा वाली कोई बातें नहीं है, ना शिक्षा के ऊपर ना किसी के ऊपर। देश पूरा ख़त्म करते जा रहा है, पूरा बिक गया, पूरा शिक्षा का भी तहस नहस करके बैठे हुए हैं। और इस बार हमें नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा फिर दोबारा। आप क्या कह रहे हैं? BJP आएगा सरकार, ये निश्चित है। BJP काम किया, मोदी जी आएगा, ही चंद्र फिर मोदी आएगा। कोई कितनों का पार पीट कर रहेंगे, जो जनता करेंगे वही होगा। और मोदी सरकार को आना है तो आना ही है। तो आप अपनी बात रखिए, ये अपनी बात रखिए, सब कुछ हो रहा। सुनिए, नल जल भी मिल रहा है, राशन भी सबको मिल रहा है, फ्री अनाज भी सबको मिल रहा है। सब मोदी जी बहुत किए, मंदिर बना दिए। सुने, कांग्रेस कहाँ बना दिए, मंदिर कहाँ बना दिए, जांच कर रख दिए। जो देश को बर्बाद कर रहे हैं कांग्रेस, बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं? मोदी सरकार को आना है, जरूर आएगा। आप देखिएगा, हम चैनल में बोल रहे हैं कि मोदी सरकार का ही फिर सरकार केंद्र में बनेगा, ये मेरा दावा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अकबर हुआ। क्या करते हैं आप? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पर क्या वोट दिया आपने अभी? हाँ बिल्कुल, 14 से देते आ रहे हैं। आपकी नज़र में मुद्दा क्या है? मुद्दा बस युवा के प्रति जो सोच रखेंगे उनको, उनके साथ हम लोग हैं। अच्छा, तो क्या मतलब आपको लग रहा है कि वर्तमान सरकार युवा के प्रति सोच रख रही है? युवा के प्रति जो सोच रख रही है उनके साथ हम लोग हैं। तो वो कौन नेता है, कुछ बोलिएगा इस पर कि ये चुप्पी सा दिए? नहीं, ये समय से पता चल जाएगा। अच्छा, समय से पता चल जाएगा। तो आपने सुन लिया, ये तमाम लोग हैं, तमाम तरह की बातें। युवाओं के लिए रोजगार समस्या है, कई लोग राम मंदिर को मुद्दा मान रहे हैं,
पर इतना दिलचस्प है कि जहाँ तक उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का सवाल है तो यहाँ से गृह राज्य मंत्री, जी हाँ, नित्यानंद राय और आलोक मेहता जो कि मंत्री थे 17 महीने नीतीश कुमार की सरकार में, वैसे अब वो बाहर आ चुके हैं, अब चूंकि नीतीश बीजेपी के साथ जा चुके हैं तो आलोक मेहता उनके सामने खड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि दोनों की प्रतिष्ठा दाव पर है। पिछली बार नित्यानंद राय जरूर जीते थे और पिछली बार उन्होंने जो है उपेंद्र कुशवाहा को हराया था, लेकिन इस बार उनके सामने आलोक मेहता हैं और जहां तक आबादी का सवाल है तो यहां पर कुशवाहा वोटर्स भी बहुत अच्छी संख्या में हैं, यादव वोटर्स भी बहुत अच्छी संख्या में हैं, अति पिछड़े का भी रुझान बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक साबित होगा। सवाल ये उठता है कि क्या जातिगत भावना के तहत वोटिंग की जाएगी या जो लोग तमाम मुद्दे को गिना रहे हैं उसके तहत वोट करेंगे, लेकिन ये जरूर साफ दिखाई पड़ रहा है कि लोगों के मतों में अंतर है, लोग अपने तरीके से बात कर रहे हैं, कई लोग परिवर्तन चाहते हैं, कई लोग मोदी के पक्ष में हैं। तो फिलहाल उजियारपुर से अपने साथी जैरी और अंकित मिश्रा के साथ TV9 के लिए पंकज कुमार।